हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सो वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक और टाइप का फ्रॉड होता है, वो है चेक फ्रॉड। चेक जो होता है, फ्रॉड कैसे होता है, आपको फेक चेक अगर रिसीव होता है, आप वो भर देते हो या वो सबमिट कराते हो, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, बट वो चेक की प्रोसेसिंग होती है, वो होती है 2 to 3 या 3 to 5 बिजनेस डेज। बिजनेस डेज मीन्स फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड को छोड़ के आई गेस। तो क्या होता है कि फेक चेक, स्कोशिया बैंक वालों का क्या है कि आपको अगर कोई चेक आता है, आप वो उसकी फ़ोटो खींच लो एप्लीकेशन से और उतनी वैल्यू डाल दो, उतनी वैल्यू डाल दो मीन्स जितनी चेक पे लिखी है, आपके अकाउंट में उतने पैसे आ जाएंगे। बट जो बैकग्राउंड प्रोसेस है, लेटर ऑन के 3 to 5 बिजनेस डेज लेते हैं ना स्कोशिया बैंक, बैकग्राउंड चेक चलता रहता है। और अगर बाई चांस आपका चेक फेक निकलता है, ठीक है, तो होता क्या है, चेक फेक निकलने के बाद वो माइनस में हो जाती है, जो वैल्यू आपके प्लस में आती है ना वो बाद में माइनस में हो जाती है। सो गाइस, इस टाइप से क्या होता है कि अगर आपको चेक मिल रहा है, सो बी वेयर, जब आप लोड कर रहे हो चेक की मनी लोड कर रहे हो, ठीक है, चेक करने के दौरान ही, लोड करने के दौरान ही उसको स्पेंड ना करो। बाई चांस अगर आपको कोई स्ट्रेंजर मिल रहा है कि जीजी पे, या जैसे ओएलएक्स होता है हमारे इंडिया में, अगर आपको कोई स्ट्रेंजर मिल रहा है कि जीजी पे, और वो अश्योरिटी देता है कि मैं आपको चेक भिजवा देता हूँ, आप मुझे ये अपना फ़ोन दे दो, ये वो, और इसका मैं एग्जांपल आपको भेज दूँगा, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए और आपको पता लग जाएगा। एक भाई के साथ हुआ था ऐसा कांड, वो चेक फेक निकला और वैल्यू होगी माइनस, तो स्कोशिया बैंक के पास गया था वो भाई, तो उसके साथ ये फ्रॉड हुआ था। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। और इस टाइप के फ्रॉड से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि होते हैं फ्रॉड, इसलिए मैं आपको पहले ही समझाना चाहता हूँ इसके बारे में, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जिस रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।